हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल गौरी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक कोड के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया था एंड वी स्टडीड कि हाउ आरएनए फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब आरएनए के बाद जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। नाउ हाउ प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस, आरएनए में ऐसा क्या है विच प्रोवाइड्स द कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। Now there is a certain relationship. जब हम protein synthesis पढ़ेंगे तो हमें ये relationship और clear हो जाएगा that there is a relationship between sequence of amino acids in a polypeptide. जो polypeptide या protein बनता है उसमें जो sequence होता है amino acid का, वो sequence that is having a relationship, मतलब वो किसके ऊपर based होता है, that is based on the nucleotide sequence of DNA और mRNA. DNA और mRNA के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं उसके ऊपर बेस्ड अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है। सो दैट सीक्वेंस, दैट रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। यानी कि mRNA जो है वो एक कोड प्रोवाइड कर रहा है, कोडेड इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसके बेस पे पर्टिकुलर टाइप का अमीनो एसिड उस mRNA के कोड के सामने लग जाएगा। नाउ वी नो कि DNA में हमारे, या आरएनए की भी हम बात करें तो देयर आर 4 नाइट्रोजन बेसिस, लेकिन अमीनो एसिड के टाइप की बात करें तो देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो 4 नाइट्रोजन बेसिस और 20 अमीनो एसिड्स में क्या रिलेशनशिप होगा, ये हमारे माइंड में एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है और यही क्वेश्चन साइंटिस्ट के माइंड में भी था। सो देयरफॉर जॉर्ज गेमो, उन्होंने एक जो है ट्रिपलेट कोड इसके लिए प्रपोज किया। उन्होंने बोला कि सिंगल कोड नहीं हो सकता, डबल नहीं हो सकता, देयर कैन बी अ ट्रिपलेट कोड। यानी कि जो डीएनए या आरएनए है उसमें 3 बेसिस जो है उनका एक अमीनो एसिड के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, यानी कि देयर कैन बी अ ट्रिपलेट काइंड ऑफ कोड। अब इसके ऊपर कई रिसर्चेस जो है वो की गई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द जेनेटिक कोड, और 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया हॉले, नीरनबर्ग और खुराना को, जिन्होंने जेनेटिक कोड को डिसाइफर किया। उन्होंने पता लगाया कि ये किस तरह से काम कर रहा है, जेनेटिक कोड क्या है और वो किस तरह से वर्क कर रहा है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द डिफरेंट रिसर्चेस जो इसके ऊपर की गई हैं। लाइक क्रिक और उनके एसोसिएट्स ने 1961 में ये ऑब्जर्व किया कि अगर एक या दो बेस पेयर्स डीएनए में से डिलीट हो जाते हैं, डिलीट मीन्स निकल जाते हैं, जैसे मान लीजिए ए टी जी सी जी जो भी सीक्वेंस चल रहा है उसमें से मान लीजिए टी निकल गया, डिलीट हो गया, या हम उसमें कोई और बेस ऐड कर देते हैं, अगर हम एक बेस ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं, या दो बेसिस ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं इन डीएनए ऑफ T4 बैक्टीरियोफेज, तो उससे उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग थी डीएनए की वो डिस्टर्ब हो गया। लेकिन अगर उसमें 3 बेस पेयर ऐड या डिलीट किया जाते हैं तो डिस्टर्बेंस मिनिमम थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 3 बेस पेयर ऐड हुए तो सिर्फ एक कोडॉन का फर्क पड़ा, लेकिन अगर एक बेस पेयर ऐड करेंगे तो सारा सीक्वेंस आगे का चेंज हो जाएगा, बिकॉज 3-3 करके कोडॉन्स होते हैं और सारा ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरह से हो रहा है। देन सेकेंड इज नीरनबर्ग एंड मिथेई, इन्होंने 1961 में कहा कि सिंगलेट कोडॉन के लिए 4 अमीनो एसिड हो सकते हैं। जैसे अब हमारे पास पता है हमें ए है, एक अमीनो एसिड ए के अगेंस्ट लग गया, एक अमीनो एसिड जी के अगेंस्ट लग गया, एक सी के अगेंस्ट लग गया, एक यू के अगेंस्ट लग गया, तो ओनली 4 अमीनो एसिड कैन बी स्पेसिफाइड अगर हम माने कि एक कोडॉन है, लेकिन एक मतलब सिंगलेट कोडॉन है। और अगर डबलेट माने, जैसे मान लीजिए ए जी है या ए सी है या ए के साथ कोई मान लीजिए यू लग गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डबलेट कोडॉन। तो डबलेट कोडॉन अगर लेंगे तो 4 × 4 16 कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे, तो सिर्फ 16 अमीनो एसिड्स ही कोड होंगे। लेकिन अगर ट्रिपलेट कोड होता है तो 64 अमीनो एसिड कोड हो सकते हैं, और 64 के अंदर हमारे 20 आराम से कवर हो जाते हैं। सो इट मीन्स देयर कैन बी अ ट्रिपलेट कोडॉन। देन आफ्टर दैट नीरनबर्ग ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, दैट वॉज अगेन इन 1961। उन्होंने एक पॉलीमर बनाया दैट इज फॉर डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड, जैसे एक पॉलीमर बनाया यू 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 पॉली यूरिडिलिक एसिड, ऐसे ही पॉली एडिनिलिक एसिड का बनाया,
मतलब कि ए का ही सीक्वेंस है सारा, ऐसे ही पॉलीसाइटिडिलिक एसिड सीसी का ही बनाया, तो उसमें उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है वो एक ही तरह के अमीनो एसिड का पॉलीमर बन रहा था। ठीक है, सो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर अगर हम मगर इस चीज से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि बेस पेयर सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है, कोडॉन यानी कि सिंगल है कि सिंगल ए के कारण ही एक तरह का अमीनो एसिड लग रहा है, या डबल ए के कारण लग रहा है या ट्रिपल ए के कारण लग रहा है, ये चीज यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही है। लेकिन ये जरूर स्पेसिफाई हो रहा है कि ये बेसिस का कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर है अमीनो एसिड के साथ। देन खुराना ने 1964 में उन्होंने इस चीज को और क्लैरिफाई किया। उन्होंने यहाँ पर जैसे न्यूक्लियोटाइड्स ले लिए, जैसे जी यू, कोई दो न्यूक्लियोटाइड्स के कोपॉलीमर ले लिए यहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने देखा कि इसके अगेंस्ट जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड बनी, उसमें भी दो तरह के अमीनो एसिड थे। जैसे अब हम ये जानते हैं कि GUG जो है दैट कोड्स फॉर वेलिन, ठीक है, और UGU जो है दैट कोड्स फॉर सिस्टीन। तो इसका मतलब अब तो हमें पता है कि ये ट्रिपलेट कोडॉन है, लेकिन उस टाइम पे ये आइडिया ड्रॉप हो गया कि डबल कोडॉन है। अगर डबल होता तो मान लीजिए GU के अगेंस्ट एक होता, दूसरा भी सेम ही यहाँ पर लगता, तीसरा भी सेम ही लगता, तो ऐसा नहीं हो रहा था। इसका मतलब या तो जो है वो हमारा जो पॉलीमर है वो सिंगलेट है, सिंगलेट कोडॉन पे बेस्ड है, या ट्रिपलेट पे बेस्ड है। सो सिंगलेट पे सिर्फ 4 ही स्पेसिफाई हो सकते हैं, सो इट इज पॉसिबल ओनली इफ ट्रिपलेट कोडॉन इज देयर। जैसे यहाँ पर GUG है, सो GUG कोड्स फॉर वेलिन, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर वेलिन, फिर उसके बाद फिर UGU आ गया 16, तो इस तरह से कोपॉलीमर बन रहे हैं। इट मेक्स दिस थिंग क्लियर कि ट्रिपलेट कोडॉन है, ट्रिपलेट मीन्स GUG 3 का कोडॉन है। देन अब ट्रिपलेट कोडॉन्स को फर्दर कंफर्म किया गया बाय अमीनो एसिड रिप्लेसमेंट स्टडीज। अमीनो एसिड्स जो हैं वो कोडॉन्स के ऊपर बेस्ड हैं, अमीनो एसिड्स जो हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं, इट मीन्स देयर इज सम चेंज इन द कोडॉन ऑल्सो। ऐसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती हैं जिसमें एक बेस पेयर में या दो में चेंज आ गया, जिसके कारण सारा का सारा सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया। अब जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं AGAGUC, अब यहाँ पर अगर हम ट्रिपलेट कोडॉन की बात करें तो AGA कोड्स फॉर वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड एंड GUC कोड्स फॉर अनदर। लेकिन अब यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गई, क्या हुआ, यहाँ पर U ऐड हो गया, यू कैन सी हेयर, अब U ऐड हो गया, तो इसके कारण ये सारा आगे आगे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे AGA, उसके बाद नेक्स्ट कोडॉन बन गया UGU, उसके बाद अगला सी जो है वो अगले दो बेसिस के साथ आ जाएगा। तो इसका मतलब इंसर्शन होने से क्या हो गया, यहाँ से यू जहाँ पर एडिशन हुई है वहां से सारा का सारा सीक्वेंस चेंज हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, कि वो म्यूटेशन होने की वजह से सारा का सारा सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया। तो ये चीज भी कंफर्म करती है कि इंसर्शन या डिलीशन होने की वजह से जो है वो सारा सीक्वेंस चेंज हो सकता है। हमने जो पिछले यहाँ पर बात की थी फर्स्ट केस में, जहाँ हमने क्रिक की बात की थी कि T4 बैक्टीरियोफेज में उन्होंने बोला कि सिंगलेट बेस हो या डबलेट ऐड करने पे ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही थी एज कम्पेयर टू ट्रिपलेट। अब यहाँ पर ही मान लीजिए यहाँ पर UCC मान लीजिए यहाँ पे ये 3 ऐड हो जाए, तो फिर चेंज सिर्फ इसी पार्ट तक ही रह जाएगा ना, फिर सारे में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रिपलेट कोडॉन है। नाउ धीरे धीरे सारे कोडॉन्स का सीक्वेंस पता कर लिया गया एंड सम अमीनो एसिड्स दे वर फाउंड टू हैव वर्क फॉर मोर देन वन कोडॉन्स। कई अमीनो एसिड्स का देखा गया कि वो एक से ज्यादा कोडॉन से भी स्पेसिफाई होते हैं, ठीक है। और ये चीज क्लियर हो गई कि जेनेटिक कोड जो है दैट स्पेसिफाइज mRNA लैंग्वेज, कि जो लैंग्वेज mRNA पे है यानी कि जो सीक्वेंस mRNA पे है वही सीक्वेंस जो है दैट इज द कोड, दैट इज द जेनेटिक कोड। नाउ वी कैन सी हेयर, अब यहाँ पे 64 हमने बात की थी कि ये 4 बेसिस हम यहाँ ले लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द कोडॉन, दिस इज द सेकेंड लेटर ऑफ द कोडॉन UCAG, सेम सीक्वेंस लिया, दिस इज द थर्ड लेटर UCAG, इस तरह से हमने लिया। अब इसको हम ट्रिपलेट फॉर्म में यहाँ लिख रहे हैं, जैसे U एंड थर्ड वन दिस U, ठीक है, ऐसे UU यहाँ पर C है थर्ड लेटर, ऐसे UU A, ठीक है। सो ये अलग अलग कोडॉन्स हैं।
नाउ इट इज फाउंड कि ये दो कोडॉन्स दे कोड फॉर फिनाइलएलानिन, ऐसे ये दोनों है ल्यूसिन के लिए है, ये भी ऐसे ही कोडेड जो कोड है दैट इज फॉर ल्यूसिन। अब इसमें अगर हम एक आधा बेस चेंज कर देते हैं तो इट विल कोड फॉर सम अनदर काइंड ऑफ अमीनो एसिड। दीज आर टोटल 64 इन नंबर, हम यहाँ पे इनको काउंट कर सकते हैं 4 यहाँ पर आगे, ठीक है। तो दीज आर टोटल 64 इन नेचर और अमीनो एसिड्स जो हैं वो 20 अमीनो एसिड्स हैं जिनके लिए ये कोड करते हैं। तो 64 हमारे कोडॉन्स हैं और 20 अमीनो एसिड्स हैं जो उनके लिए कोड करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड से यहाँ पे शो किया हुआ है ये AUG दैट इज मेथियोनिन, दिस इज इनिशिएटिंग कोडॉन एंड हेयर इज GUG दैट कोड्स फॉर वेलिन, दिस इज ऑल्सो इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन मतलब ये शुरू करता है, जब हाँ पॉलीपेप्टाइड चेन स्टार्ट होती है या तो AUG से होती है या GUG से होती है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, सम ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्शन नो डाउट। एंड यहाँ पर हमारे पास तीन बेसिस शो किए हुए हैं, यू कैन सी UAA, UAG एंड थर्ड वन इज UGA। इनके आगे स्टॉप कोडॉन लिखा है, स्टॉप कोडॉन मीन्स ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। सो मतलब जहां पर ये कोडॉन आ जाता है वहां पर हमारा जो अमीनो एसिड्स बनने हैं मतलब आगे पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो स्टॉप हो जाती है। सो दिस इज दीज आर कॉल्ड एज स्टॉप कोडॉन। सो UAA, UAG एंड UGA दीज थ्री आर द स्टॉप कोडॉन्स। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड। नाउ वी नो हमने अभी स्टडी किया है कि जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड, यानी कि थ्री नाइट्रोजन बेसिस एक कोडॉन बनाते हैं जो कि एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफाई करता है। लाइक वी कैन सी हियर, सपोज ये जैसे GCU है, GCU दैट कोड्स फॉर एलेनिन, ऐसे ही GCG इट कोड्स फॉर एलेनिन, ठीक है। GGU दैट कोड्स फॉर ग्लाइसिन, तो ये मतलब तीन का कोडॉन है और वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। नाउ पॉलीपेप्टाइड चेन इज सिग्नल्ड बाय टू स्टार्ट कोडॉन्स, अभी हमने बात की है AUG एंड GUG। दीज नेम्स शुड बी लर्न बाय हार्ट कि कौन से हमारे जो है वो स्टॉप कोडॉन्स हैं, कौन से इनिशिएटिंग कोडॉन्स हैं, तो दीज थिंग्स शुड बी वेरी मच क्लियर टू अस। सो इनके नेम्स हमने याद करने हैं कि AUG जो है वो स्टार्ट कोडॉन है that codes for methionine and the GUG is also a start codon that also codes for valine, these are the amino acids। तो इनका dual function हो गया, dual मतलब two functions हो गए। क्या function है, एक तो AUG start codon है, GUG भी start codon है, और दूसरा इनका function क्या है कि जहाँ AUG लगेगा वहाँ methionine लगेगा amino acid, ऐसे ही जहाँ GUG लगेगा वहाँ valine लगेगा, यानी कि एक तो ये start कर रहे हैं और दूसरा इनका particular specific amino acid भी है, तो ये दो फंक्शन हो गए इनके। देन पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेट, टर्मिनेट मीन स्टॉप हो जाती है बाय थ्री टर्मिनेशन कोडॉन्स, ये तीन कोडॉन्स हैं UAA, UAG एंड UGA, ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज स्टॉप कोडॉन्स क्योंकि यहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन रुक जाती है, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन सेंस कोडॉन्स। नॉन सेंस कोडॉन्स क्यों, क्योंकि इनकी कोई सेंस नहीं बनती है। हमने पढ़ा था ना सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड कौन सी है जिसकी कोई सेंस बन रही है, मतलब जो एक्चुअली वर्किंग स्ट्रैंड जैसी है। तो सेंस का मतलब है कि जिसके ऊपर कोई सीक्वेंस बन रहा है अमीनो एसिड्स का, तो यहाँ पर इसका कुछ भी सीक्वेंस नहीं बन रहा है, ये कोई कोऑपरेट मतलब कोई हेल्प नहीं कर रहा पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन में, उसे स्टॉप कर रहा है। सो इट इज नॉन सेंस कोडॉन। नाउ जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल है, सब पे अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए AUG है वो मैथ्यूनिन के लिए कोड करता है, तो वो सभी ऑर्गेनिजम्स में मैथ्यूनिन के लिए करता है, चाहे वो कोई प्लांट है, चाहे वो कोई ह्यूमन है, चाहे वो कोई एनिमल है, जहां पर भी AUG कोडॉन होगा RNA में उसके सामने मैथ्यूनिन ही लगेगा एमिनो एसिड फॉर्मेशन में। सो जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। देन कोडॉन्स आर नॉन एम्बिगुअस, यानी कि एक कोडॉन सिर्फ एक एमिनो एसिड के लिए है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि AUG किसी और अमीनो एसिड के लिए भी कोड कर रहा है, इट इज कोडिंग ओनली फॉर मेथियोनिन। ये हो सकता है कि एक अमीनो एसिड के लिए कई कोडॉन्स हो, जैसे हमने अभी टेबल में देखा था, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, वी कैन सी कि यहाँ पर कई अमीनो एसिड्स हैं, जैसे UUU और UUC दे आर कोडिंग फॉर सेम अमीनो एसिड। ऐसे ये ल्यूसिन का आप देख सकते हैं UUA
UUG, then CUU, CUC, CUA, CUG, मतलब एक एमिनो एसिड के तो कई कोडॉन हो सकते हैं, लेकिन एक कोडॉन का सिर्फ एक एमिनो एसिड है। ऐसे नहीं है कि AUG इज कोडिंग फॉर मेथियोनीन ऑल्सो एंड सम अदर एमिनो एसिड ऑल्सो, तो वो नॉन एम्बिगुअस है, मतलब बिल्कुल क्लियर है, एक कोडॉन का फंक्शन बिल्कुल क्लियर है, देर इज नो एम्बिग्यूटी, इट इज कोडिंग फॉर ओनली वन एमिनो एसिड। देन एमिनो एसिड्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव रिलेटेड कोडॉन, जैसे अब यहाँ देख सकते हैं ट्रिप्टोफैन है, फिनाइल एलेनिन है, टायरोसिन है, ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में इनका सिमिलर सा फंक्शन है और इनके कोडॉन्स भी जो है वो मिलते जुलते हैं। ऐसे जेनेटिक कोड दैट इज कॉन्टिन्यूस एंड कॉमालेस, अगर हम कोडॉन्स लिखते हैं तो ऐसे नहीं कि उसके बीच में कॉमा डालेंगे या स्पेस होगी, कोई स्पेस नहीं होती है, दे आर इन कॉन्टिन्यूस मैनर, ठीक है। अगर इसमें एक बेस ऐड हो जाएगा या निकल जाएगा तो इसकी रीडिंग डिफरेंट हो जाएगी, जैसे अभी AUG, फिर उसके बाद सेकंड कोडॉन आ गया आपका UGU, थर्ड आ गया हमारा GCU, थर्ड फोर्थ आ गया हमारा AUA। अब इसमें से मान लीजिए हमारा G निकल गया, तो हमारी जो मान लीजिए G हमने निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ इन दिस केस जो है वहां पर हमारे को उसमें डिफरेंट उसका देखने को मिलेगा, जैसे AU AUU हो गया, ठीक है, GUC हो गया, ऐसे UAU हो गया, तो ये हमारी कोडिंग सारी चेंज हो गई, यानी कि एक कोडॉन के ऐड होने से डिलीट होने से कोडिंग सारी डिफरेंट हो गई है। नाउ जेनेटिक कोड हैज गॉट पोलैरिटी, इसका सीक्वेंस है, कोड है, पोलैरिटी है, इट रीड्स फ्रॉम 5' टू 3' डायरेक्शन, हम इसे हमेशा ऐसे ही रीड करते हैं, यहां से मान लीजिए इस साइड पे 5' एंड है और दूसरी साइड पे हमारा जो है वो 3' एंड है, सो इट इज रेड इन 5 टू 3' एंड, मतलब ये इसी डायरेक्शन में इसको रीड किया जाता है। एंड नाइट्रोजन इज बेस इज स्पेसिफाइड बाय ओनली वन कोडॉन एंड देयर इज नो ओवरलैपिंग, अगर एक नाइट्रोजन बेस है तो उसकी ओवरलैपिंग कोई नहीं होती है, मतलब वो बेस एक ही बार में रीड किया जाता है, उसको बार बार रीड नहीं किया जाता। अब हम यहाँ पर ही जैसे बात करें, ये हमने अभी कोडॉन्स की यहाँ पर बात की थी सीक्वेंस की, इसी से ही हम इस चीज को एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये AUG है, देन UGU है, ये एक एक बार ही रीड हो रहे हैं, ऐसे नहीं है कि AUG पहले AUG रीड कर लिया, फिर UGU कर लिया, फिर उसके बाद GUG कर लिया, ये सीक्वेंस नहीं होता है, इट इज नो ओवरलैपिंग, देर इज ओनली वन कोडॉन एंड दैट इज स्पेसिफाइड ओनली वंस। देन कोडॉन 64 हैं लेकिन अमीनो एसिड्स 20 हैं, तो इसका मतलब कई अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडॉन है, दैट यू कैन सी हेयर, यहाँ पर आप प्रोलिन भी देख सकते हैं, CCU, CCC, CCA, CCG, इनके एक से ज्यादा हमें कोडॉन्स दिख रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड एज डीजेनरेट, क्योंकि यहाँ पर ये मान रहे हैं कि इनकी जैसे फर्स्ट टू पोजीशन बिल्कुल सेम है, मान लीजिए हम यहाँ प्रोलिन के ही कोडॉन्स की बात कर रहे हैं, CC पहली दो पोजीशंस बिल्कुल सेम है और थर्ड पोजीशन ही डिफरेंट है सिर्फ, ठीक है, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं कि डीजेनरेट है, कि पहले दो बेसिस ही अमीनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं, थर्ड का कोई इफेक्ट नहीं है, और इस थर्ड पोजीशन को हम लोग बोलते हैं वॉबल पोजीशन, कि इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है कोडिंग में, इसे वॉबल पोजीशन कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज देयर इज कोलिनियरिटी इन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन DNA और mRNA एंड द पॉलीपेप्टाइड, जिस तरह का सीक्वेंस DNA या mRNA पे होगा वैसी ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। अब यहाँ पर हम देखें, मान लीजिए पहला हमारा जो इमिनो एसिड है दैट इज AUG, सॉरी कोडॉन AUG है, तो यहाँ मैथ्योनिन आ जाएगा, फिर उसके बाद मान लीजिए ACG लगा हुआ है, तो ये हमारा ये अमीनो एसिड आ गया, ऐसे AAG आ गया तो अगला अमीनो एसिड आ गया, सो मतलब ये सीक्वेंस जो है दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द अमीनो एसिड, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस ऑफ द कोडॉन्स, तो यहाँ क्या है कोलिनियरिटी है, यानी कि जो सीक्वेंस DNA या mRNA पे होगा दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पॉलीपेप्टाइड चेन। अब DNA का जो पोर्शन यहाँ पर एक्ट करता है पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए दैट इज सिस्ट्रॉन, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सिस्ट्रॉन और पॉलीपेप्टाइड पेयर है, यानी कि जैसा सिस्ट्रॉन है वैसा ही mRNA बनेगा और वैसा ही पॉलीपेप्टाइड बनेगा, तो कहीं ना कहीं ये दोनों भी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। अब इसमें कुछ एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो जैसे पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो
तो वहां टर्मिनेशन कोडॉन, यूएए और यूजीए जो है वो कोड करते हैं फॉर अमीनो एसिड ग्लूटामिन। तो ऐसे कई ऑर्गेनिज्म में ओवरलैपिंग जीन्स भी पाए जाते हैं इन सम वायरसेस। ऐसे जो है मतलब ये थोड़ी बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं। माइट्रोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है उसमें जो एमआरएनए बनता है उसमें एजीजी और एजीए जो है वो आर्जिनिन के लिए जो मतलब फंक्शन करते हैं वो यहाँ पे स्टॉप सिग्नल्स हैं। तो इस तरह के थोड़े बहुत चेंजेस हैं, अदरवाइज दीज सीक्वेंसेस आर फिक्स्ड एंड कॉमन फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन अगर कोई भी बेस पेयर डिलीट होता है या ऐड होता है या उसमें म्यूटेशन हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो चेंज हो जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जेनेटिक कोड। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। थैंक यू।